मोहतरम भाइयों, हमारे जो सरगोधा से आने वाले मेहमान हैं सैयद सुफयान शाह साहब नकवी, अल्लाह के फजल करम से अवगत पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाहुर्रहमान चंद ही मिनटों के बाद वो हमारे दरमियान इंशाअल्लाह जलवा अफरोज होने वाले हैं। अब मैं बकायदा तौर पर अपने आए हुए मेहमान अल्लामा हाफिज अब्दुर रऊफ यजदानी साहब को दावत सुखन देता हूँ। हाफिज अब्दुर रऊफ यजदानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد सामईन मुहतरम। अल्लाह सुबहानहु व तआला दी अज़ीम शान अज़ीम उल बरकत किताब दे विचों मेरा ख्याल है उन्हां दा जलसा पहले सुन लई। अल्लाह सुबहानहु व तआला दी अज़ीम शान पुर हिकमत किताब दे विचों जिस मुकाम अज़ीम शान नूं मैं इस वक्त तिलावत कीता अल्लाह रब रहमान दे मुकद्दस कुरान दा 22वां पारा सूरत दा नाम सूरा फातिर इस मुकाम अज़ीम शान नो अल्लाह रब रहमान ने आमिना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी
ذاتِ گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مسلک سے سرخیل ترجمان مسلک اہل حدیث محترم جناب سید سبتین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تواڈے سامنے براجمان نے تسا احباب نو علم اس بات دا اج تو چار سال قبل مینو ممبر و محراب تو پابندی لگا کے دور کر دیتا گیا کسے قسم دے دینی مذہبی سیاسی پروگرام دے اندر شرکت دی اجازت نہیں سی۔ ایسے دوران میرے اوپر اج تو سوا سال قبل بیماری دا شدید حملہ ہویا، فالج جیسی شدید بیماری دا اٹیک ہویا۔ میں بستر مرض تے جا پیا لیکن جتھے تواڈیاں بزرگاں دیاں دعاواں نوجوان رفقا دیاں معصوم بچیاں دیاں میریاں اسلامی روحانی ماواں بہناں دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں، اللہ نے دوبارہ بستر مرض تو اٹھا کے ممبر رسول سے بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا، جس دی اج زندہ مثال وے میں باوجود اپنی علالت دے بیماری دے جدو مینوں اس بات دا پتہ چلیا میرے مسلک دے میری جماعت دے شیر ربانی حضرت قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی اپنی بیماری دی وجہ تو حاضر نہیں ہو سکتے، دو صحباب دے رابطہ کرن تے اور اونا دے پیار محبت دے سامنے باوجود اپنی بیماری دے میں انکار نہ کر سکیا، مسلک دی محبت لے کے اللہ دے دین دی محبت لے کے تساں احباب دے سامنے بیٹھ گیا دور دراز دا سفر طے کر کے۔ اللہ اج دی کانفرنس کروان والے کامیاب کرن والے شرکت کرن والے اللہ تمام دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے وے۔ چند لمحات جو گفتگو منو کرن دا موقع نصیب ہوئے اللہ منو عطا کرن تو میرے بھائی ذرا دل لگا کے توجہ میرے ول رکھ کے جس آیت نو میں تلاوت کیتے ایدے تحت کچھ معروضات گزارشات ذرا نوٹ فرما لو۔
अल्लाह ने इस आयत दे अंदर आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लेके कयामत तक हजरत आदम अलैहिस्सलात व सलाम तो लेके आमीना दे लाल तक आमीना दे लाल दी उम्मत दे हर फर्दो बशर नो इस आयत दे अंदर जमा करके अल्लाह ने एक बात दा ऐलान कर दिता है। ए दुनिया जहान दे लोगो तुसी सारे ते सारे मोहताज हो हाजत रवा कौन है अल्लाह अय्युहन नास दे अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलात व सलाम तो लेके कमो पेश सवा लख नबी भी आउंदे ने डेढ़ लख दे करीब सिहाबा भी आउंदे ने ताबी भी आउंदे ने तबा ताबईन भी आउंदे ने आइम्मा हुदा भी आउंदे ने मेरे पैगंबर दे चारे खुलाफा भी आउंदे ने आमीना दे लाल अलैहिस्सलात व सलाम दी तमाम उम्मत आउंदी ए के दुनिया जहान दे लोगो पावे नबी होवे पावे वली होवे पावे गौस होवे ते पावे कुतब होवे पावे बड़ा होवे पावे छोटा होवे अमीर होवे या गरीब होवे बादशाह होवे या गदागर होवे जेड़ा भी होवे ओ अल्लाह दे दर दा मोहताज है ते सारी कायनात दा हाजत रवा कौन है। एक दफा जरा प्यार नाल जवाब देवो हाजत रवा कौन है नबी भी वली भी सिहाबा भी सारे अल्लाह दे दर दे मंगते ने अल्लाह दे दर दे फकीर ने जदों भी किसे नबी नु मुश्किल पेश आई है उस नबी ने भी दरवाजा खटखटाया ते सारे बोलो की दा अल्लाह दा मेरे ते तुआडे अब्बा जी आदम अलैहिस्सलात व सलाम नो जदो जन्नत दा फल खान दी वजह तो अल्लाह ने जन्नत विचो देश निकाला दे दिता आप दुनिया ते आए अम्मा जी हव्वा किते ने अब्बा जी आदम किते ने एक दूसरे नो लभदे लभदे तलाश करदे करदे मैदान अरफात विच पहुंचे ने अरफात दा माना पहचानना एक दूसरे नो पहचान लेंदे ने अल्लाह तुहानू भी उतों दी हाजरी नसीब फरमाए जबले रहमत पहाड़ी ते खड़े होके अल्लाह दी अग्गे दुआ करदे ने अब्बा जी आदम भी जदो अपना दामन फैलाया परवाने ओ बोलो सारे किदे अगे अल्लाह दे अगे अल्लाह दे सामने जदो इल्तिजा कीती अंधे ने रब्बाना वबअस रब्बाना जलमना अल्फुसाना वाइल्लम तगफिर लना वतरहमना लनकूनन मिनल खासिरी जी आदम अलैहिस्सलाम ने
अपना दामन फैलाया ते सारे बोलो किदे अगे अल्लाह दे अगे आंदे ने रब्बाना जलमना अनफुसाना वा इल्लम तगफिर लाना वा तरहमना लनकूनन मिनल खासिरी। साडे या रब्बा असा जुलम कर लिया अपनी जाना दे उते असा जे आदती कर ली अपनी जाना दे उते परवाने ओ कुरान दे ओ जरा बोल के जवाब देना जे अब्बा जी आदम कह रहे ने ए साडे या रब्बा असा जुलम कर लिया अपनी जाना दे एक दफा बोलो जरा असा अपनिया नबी ने जान बोझ के कीता के भूल के सारे प्यार नाल जरा जवाब देवो अब्बा जी ने जेड़ा दाना खादा वो जान बोझ के भूल के कई लोग आंदे ने नबी नू हर काम दा पता हुंदा है नबी जान बुझ के जेड़ा भी काम होवे ओनू इलम हुंदा है ते यारो जरा रब नू गवाह बना के जवाब दे आजे अब्बा जी आदम की कह रहे ने अर्शा वाले या रब्बा असा जुलम कर लिया उत्ते अपनिया जाना दे जान बुझ के या भूल के बोलो जरा भूल के बाबा जी गल बड़ी प्यारी कर गए जे गैब है सी बाबे आदम ताई दाना भूल के कनक दा खाम देना जे गैब है सी हजरत नू ताई पुत्र लई दुआ फरमाव देना जे गैब है सी हजरत यकूब ताई 40 वरे रोके नगाव देना रब्बाना जलमना अल्फुसाना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। या अय्युह الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد। اللہ دا ایک نبی ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو نا अपने बाप दे सामने अल्लाह दी यकताई दा अल्लाह दी तनहाई दा अल्लाह दी उलूहियत दा ऐलान कीता ते बाप की आंदा आंदा काला अरागिबुल अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइल्लम तंतही लअर्जुमन्ना का वहजुरनी मलिया काल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरुका रब्बी इन्नहु काना बी हफी या इब्राहीम
अगर तू इस मिशन तो बाद ना आया, इस गल तो बाद ना आया, मैं तेनू पत्थर मार मार के रजम कर देंगा, तेनू मैं करों कट देवांगा, वतनों बेवतन कर देवांगा, नहीं तो मैं तेनू कतल ही कर देवांगा, पत्थर मार मार के रजम कर देवांगा। अल्लाह दे खलील अगो जवाब देंदे ने, अब्बा जी घर छड़ना भी वारे चेवे, शहर छड़ना वारे चेवे, बरादरी छड़नी वारे चेवे, लेकिन मैं अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करन तो बाज आ सकदा। नमरूद दे कौम ने बीबिया ने लकड़ियां इकट्ठिया कीतिया, तिल अग बाल दी रूए जमीन दे उते, इन्नी अग बाली है जमीन दे उते, इस तो कबल इन्नी अग नहीं बाली गई। ऐ बुजुर्ग वडेरिया नू पता है इस गल दा, पहले वक्त विच ना लफज बोलिया जांदा सी को, अज बोलिया जांदा किलोमीटर। ओदो जरा लफज को सी ना, ए डेढ़ मील नू किया जांदा सी। रूवे जमीन दे उते इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम नू जलान वास्ते, साड़न वास्ते साढ़े चार मील तक अग बाली गई। लंबाई वे चौड़ाई वे रूवे जमीन दे उते इस तो कबल एनी अग जलाई गई नहीं। ते जवाब दिया जे जरा सारे मिलके, जिन्नू रब बचाए ओनू को मार सकता है, ते जिन्नू रब मारे ओनू कोई बचा सकता है नहीं। कहन लगे इब्राहिम नू जला के साड़ के इस तौहीद वाले दा नामो निशान मिटा दिता जाए, ते जदो अग विच सुटन लगे अल्लाह दे खलील एक गल करदे ने, आंदे ने हसबी अल्लाह व निमल वकील, मेरे वास्ते मेरा अल्लाह कल्ला काफी है। जिन्नू जिन्नू अल्लाह काफी है वो बोले जरा सानू अल्लाह कल्ला, प्यार नाल जरा सानू सारिआं नू साडा अल्लाह कल्ला। अल्लाह कल्ला काफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ये गल कही ते होया की है, इन्हां नू जदों अग विच सुटन लगे ने, इधरों मीकाईल भी आया, इधरों इसराफील भी आया, इधरों जनाबे जिब्राईल भी आया, आंदे ने जनाब सानू इजाजत देवो असी पर मार के अगे ना ते उल्टा के सुट दईए, अगर इजाजत देवो समुद्रां दा पानी अग ते पा दईए, अगर इजाजत देवो बस्ती उठा के ले जाइए आसमान तो उल्टा के सुट दईए। अल्लाह दे खलील आंदे ने ए जिब्राईल ए मीकाईल ए इसराफील, अज तुसी पीछे हट के खलो जाओ, अज खलील जाने या रब्बे जलील जाने। परवाने ओ सुन लो जरा, मौलाना गल बड़ी प्यारी कर गए, आंदे ने फरिश्तियां आके आखिया हुक्म करो ता तबक जमींदा पंजा मार उठावा, आतश सने कुफार तमामी विच समुंदर पावा, अग बली ता तिन तिन को तक बलिया चार चुफेरा,
बिना खौफ ख्याल नबी नु धन रसूला जेरा उत वल चीखा कुफारा वाली पांबर बड़क मचावे इत वल चीखा इश्क लाई तेजा लंबा अलावे तरफा वल आतश मची शोला तेज मरेंदा हट जिबराई लावे खतमाशा हुन किए रब करेंदा अल्लाह दे खलील नू जदो अग विच सुटन लगे ने अल्लाह दे खलील अपनी जुबान तो एक जुमला बोलदे ने एक कलमा बोलदे ने हसबी अल्लाह आखो हजरा हसबी अल्लाह हुवा नेमल वकील आवाज आउंदी अगे जी अल्लाह जी की आदर फरमाया मेरा खलील लगाई मेरे खलील नु अग विच सुटन लगे ने खबरदार मेरे खलील दा वाल भी विंगा ना होवे ए माचस दी तील बाल के वाल दे कोल करिए ते वाल अपनी जगह बदल जांदा है अपनी जगह बदल जांदा है पर अल्लाह दे खलील 40 दिन अग विच रहे मैं ते तफसीर दिया किताबा च पढ़िया जेड़ा नमरूद बेईमान है इन्ने हजरत खलील दे गल विच कुर्ता पाया ते रस्सियां नाल जकड़िया बन्निया ते दे दिल विच गल लेवे अगर इब्राहिम बच गया ते मैं आखांगा मेरे कुर्ते दी वजह तो बचया ते हुंदा की ए परवाने हो जदो अल्लाह दे खलील अग विच जांदे ने सब तो पहले रस्सियां सड़ के थल्ले डिगियां फिर कुर्ता सड़ के थल्ले डिगया अल्लाह दे खलील नु 40 दिन विच एक जर्रा बराबर भी अग ने जलाया मैं ते पढ़िया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बाप दे मुंह विचों पूरी जिंदगी विच एक जुमला चंगा निकलिया आंदा इब्राहिम तेरा रब बड़ी अजमत वाला जिन्ने तेनू इन्नी अग चो भी बचा लिया या अय्युह अन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह अग विचो बचांदा कौन है बोलिया जे जरा पानिया विचो कौन बचांदा है बल्दी चिखा विचो कौन बचांदा हसबी अल्लाह व निमल वकील अल्लाह दे खलील ने अग विच जान तो पहले किदा दरवाजा खटखटाया हसबी अल्लाह हुवा निमल वकील अल्लाह दे एक नबी कश्ती दे विच बह गया कश्ती पानी दे विच लेके चली जाती है अल्लाह दे वल्लो आर्डर आ जांदा है ऐ मेरे यूनस जी अल्लाह जी की आर्डर फरमाया तेरियां मेजबानियां तेरियां मेहमान नवाजियां मैं मच्छी दे पेट विच करन लगा ते मच्छी आई है यूनस अलैहिस्सलाम ने
छाल मारी है पानी विच मच्छी ने अपना मुंह खोलिया ते इन्हां नूं लै के अपने पेट विच जमीन दियां तैमां विच पानी दियां तैमां विच मच्छी लै के चली गई। परवानी ओ जरा एक जवाब दे आजे दो बंदे नहर ते नहान चले जान एक बंदा पानी दे विच छाल मार लवे दूसरा बंदा बाहर खलो के ओनू आवाज मारी जाए जेड़ा पानी दे विच ओनू आवाज जाएगी जेड़ा पानी दे विच नहा रहा है ओ पानी दे विचो आवाज मारे ते बार वाले बंदे नू सुनी जाएगी। पहली ते गल एवे जेड़ा पानी दे विच ओ पानी दे विच आवाज मारी नहीं सकदा अगर ओ मुंह खोलेगा ओनू गोते आउणगे ओनू ओनू ओदी आवाज नहीं निकलेगी। ए पानी दियां तैमां विच जमीन दियां तैमां विच अगर पुकार सुनदा आवाज सुनदा ते बोलो कौन अल्लाह सुनदा यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मच्छी लैके जमीन दियां तैमां विच चली जांदी है ते यूनुस अलैहिस्सलाम एक आवाज सुनदे ने जमीन दियां तैमां विच जाके अर्ज करदे ने अल्लाह ऐ गुनगुनाहट कादी आ रही है जवाब आउंदा मेरे यूनुस ए जमीन दियां तैमां विच जेड़े रूड़ ने जेड़े पत्थर ने ओ मेरी कलमे पे पढ़ते ने मेरिया तस्बीहां बयान पे करते ने ते यूनुस अलैहिस्सलाम आंदे ने ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। एक दफा जरा प्यार नाल फेर पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाह सारे आंदा पढ़ना कबूल फरमा ले। शाह जी किधर ने अस्सलाम वालेकुम पीरो मुर्शद मैनू गल याद आई है मैं ता आवाज मारी है कि भाई रानू मैं सुना दिया ओ मैं सा जेल विच आखो केड़ा तू पहली वरी गया तेरा ते काम ही होई है। शाह जी गल बड़ी अल्लाह गवाह जी इस गल दा मैनू गल जिमनन याद आई है ओ मैं ना बैठा ते एक बंदा ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੜਿਆ ਕਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤਾ इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन अर्शां वालिया तू गवाह है बंदियां दी जहालत भी वेख्या जे जरा। मैं क्या मेरे भाई ये पढ़िया कर काम ते तू बड़ा भैड़ा करके आया त्यांदा तू कड़े चंगे करके आया हुकूमत ना आडा लाना कोई चंगी गल ओ मैं क्या मेरा वीर तू मेरे को पुछिया मौलवी साहब को कलमा दसो मैं पढ़ा करा ते मेरी इत्थों रिहाई हो जाए ओ मैं ना उन्हूं मैं क्या मेरे भाई आ पिंडी पटियां दा सैड दा बंदा सी अंदा जी चलो मैं पढ़ना ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। भाई अब्दुल्ला यासीन गल जरा सुन वाली जे तुसी भी मेरे वाल ध्यान ना गल सुन लो मैनू पता थोड़ी देर बाद की आंदा है अंदा जे मौलवी इन्नी ये सुनी जांदी होवे ते तू ना बाहर चला जाए
शाकर साहब मेनू आंदा ए जो कबूल हुंदी ए ते तू क्यों नहीं बाहर जांदा ते मैं उनू ये गल कही मैं क्या फिर ले मैं हुन चलिया जाना ही ते तू लगदा इत्थे रहना है वो चंद दिन होए मेरी जमानत हो गई मैं आउन लग्या मैं क्या ले ये गल हुंदी ए यकीन दी बोलो ये गल हुंदी ए यकीन नाल पढ़ोगे हौली आखो ओ यकीन नाल पढ़ोगे ला इलाहा इल्ला अल्ता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन मौलाना गल बड़ी प्यारी कर गए ऐ खालिके कुल ऐ मालिके कुल ऐ हाकिमे कुल ऐ राजिके कुल सुबहान है तू रहमान है तू कोई तेरी सिफते पा न सका हर शै पे तसर्रुफ है तेरा जब हुक्म हुआ तब मी बरसा ऐ मालिके अबर तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा न सका कादिर वो नहीं बन सकती नहीं जिनसे कभी एक मक्की भी मक्की तो बहान बनाना दूर रहा एक बाल भी बदला जा न सका अरे यूनस ने पुकारा ऐ अल्लाह और बैठ गया वो कश्ती में पर हुक्म तो तेरा टल न सका वो खुद को भी पार लगा न सका अल्लाह तू जिसको डबोने पे आए फिर किसकी है ताकत पार करे मजबूर रहा महबूब तेरा कश्ती में पिसर को बैठा न सका अरे यूनस ने पुकारा ऐ अल्लाह और बैठ गया वो कश्ती में पर हुक्म तो तेरा टल न सका वो खुद को भी पार लगा न सका या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह मेरे भाई मैं ना अल्फाज से इत्तेफाक करदा खत्म करना अल्लाह मेनू तुहानू अपने कुरान नबी दे फरमान ते अमल दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह जिंदगी दीती सेहत दीती ते इंशाअल्लाह फिर किसे टाइम हाजिर होके अल्लाह दा कुरान पैगंबर दा फरमान तुसा अहबाब नू सुनावांगा अल्लाह ए मेरी हाजरी उलमाए किराम दी तशरीफ आवरी अल्लाह तुआडे तमाम दी हाजरी अल्लाह कबूल फरमा के जरिया निजात बना देवे वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये थे हाफिज अब्दुर्रौफ यज़दानी साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।